नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। आज हम यह पता करेंगे कि अरहंत क्या होता है, एक्चुअल अरहंत क्या होता है, ये हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो जिनका राग क्षय हो चुका है, द्वेष क्षय हो चुका है, मोह क्षय हो चुका है। राग यानी आसक्ति, आसक्ति यानी आसक्ति एक बंधन है। वो किसी बंधन में बंधा हुआ व्यक्ति आसक्त हो जाता है और वो आसक्त होने के कारण एकदम मूड रहित हो जाता है, उसके पास विद्वत्ता नहीं रहती, वो उसी चीज़ में फंस जाता है। जिस चीज़ को, एक आधी चीज़ को उसकी चाह लगती है, उसी उसी में फंस जाता है। तो एक आसक्ति एक बंधन है। तो आसक्त, तो जिसका राग राग आसक्त हो, रागाक्षय हो गया, जिसका राग यानी आसक्ति खत्म हो गई है, क्षय हो गई है, जिसका द्वेष, द्वेष यानी कि लोगों के लिए गलत भावना, द्वेष करना, किसी की अच्छाई में उसकी निंदा करना, तो एक प्रकार का एक गलत विचार है, तो वो एक द्वेष है। तो द्वेषाक्षय, रागाक्षय, द्वेषाक्षय और मोह यानी मूढ़ता। तो मूढ़ता ये तीनों चीज़ का जिसका क्षय हो गया है उसको अरहंत कहते हैं। अर यानी होता है शत्रु, और जिसने अपने अंदर के शत्रु को हरा दिया है वो अरहंत हो जाता है। तो जिसके राग द्वेष दूर हो गए हैं और अविद्या भी दूर हो गई है, वह सिनास्त्र हुआ अरहंत। वो अरहंत क्या होता, भीतरी जटाओं से मुक्त हो जाता। जटा यानी कि भीतरी जो बंधन होते हैं, जो जटा कैसी होती है, वो बंधी होती है एक दूसरे से, तो वो बंधन खुल जाते हैं। तो भीतरी जटाओं से जब वो मुक्त होता है तो वो अरहंत हो जाता है। तो जिसने अचल, अचल मतलब जो चल नहीं है, अचल निर्वाणिक अवस्था प्राप्त कर ली है, जिसने अचल, निर्वाण कैसा है, अचल अवस्था है, स्थिर है, टाइमलेस एरिया, वहाँ टाइम नहीं है, तो अचल हो गया। चलायमान मतलब जहाँ टाइम वाला है, टाइम वाला है, तो जहाँ दिन है, रात है, समय है, सब चल रहा है, तो वो चल वाला एरिया, एक अचल वाला एरिया, जब दिन रात कुछ नहीं है, सारा प्रकाशमय एरिया है, अचल है। तो वो अवस्था जो है निर्वाण की अवस्था है। तो ये कब आती है कि जिसका चित्त निर्मल हो गया है, जो संसार के प्रति सर्वथा निर्लिप्त है, जो अनास्त्रव है, वह श्रेष्ठ है, वही श्रेष्ठ है, वही अरहंत है। क्योंकि ऐसा देखने में आता है कि जिसने आसक्ति का क्षेत्र भली प्रकार से अतिक्रमण कर लिया है और अस्त्रव को जो फेंक चुका है, जो व्यक्ति उपादान रहित है, मतलब अस्त्रव रहित है, वह सिंह के भांति भय से मुक्त है, और वही व्यक्ति विजेता कहलाता है। अब क्या सचमुच अरहंत सुखी होते हैं, तो ये बात हम देखेंगे। और एक बार भगवान आरवी राष्ट्र में गौओं के आगमन की मार्ग पर पेड़ से गिरे पत्तों को आसन बिछाकर सोए थे। उस समय हत्तक नामक आर्वक राजपुत्र जो था घूमने के लिए निकला। उसने तथागत से पूछा, भंते भगवान क्या सुख से सोए? भगवान ने उत्तर दिया, हाँ कुमार, मैं सुख से सोया।
उसने और आगे कहा, जो लोग इस संसार में सुख से सोते हैं उनमें से एक हूँ। तो और क्या कहा उन्होंने कि जो लोग संसार में सुख से सोते हैं उनमें से मैं भी एक हूँ। इस पर आवरक ने क्या कहा, आवरक कहता है कि हेमंत ऋतु की ठंडी रात, माघ फाल्गुन के बीच 8 दिनों का समय है, हिमपात का मौसम है, गवों से खुरों की खुरदरी हुई कठोर भूमि है, पत्तों का पतला बिछोना है, पेड़ों पर बहुत कम पत्ते हैं, चारों ठंडी हवा बह रहे, आपने ठंडे काशाय वस्त्र पहने हैं, तो आप किस तरह से सुख से सोए हैं। इस पर भगवान ने कहा, एक गृहस्थ पक्की बंद हवेली में मुलायम गद्दे, तकिया और रजाई लेकर सोता है, परंतु हो सकता है कि उसमें कामराग की अग्नि जलती हो। उसी ग्रही अथवा ग्रही पुत्र के भीतर रागजन्य दाह उत्पन्न होता हो, कायिक अथवा मानसिक रागजन्य दाह जलता हुआ वह दुख से ही सोता हो, तथागत का वह राग क्या हो गया है, प्रवीण हो गया है, नष्ट हो गया है, जड़ से उखड़ गया है, सिर कटे ताड़ वृक्ष जैसा ढूंढ हो गया है, जिसमें अब कुछ नहीं उग सकता, अभाव को प्राप्त हो गया है, भविष्य में भी उसका उत्पाद नहीं हो सकता, ऐसा वितराग अरहंत सुख से ही सोएगा। ऐसा वितरागी जो अरहंत है वह सुख से ही सोएगा, ऐसा तथागत कह रहे हैं। क्यों सुख से सोएगा? क्योंकि राग द्वेष उनका अंदर से ताड़ के जैसा निकल के चल गया है। तो अनाथ पिंडक जब राजग्रह में तथागत से पहली बार मिलने के लिए आए, तो तथागत बाहर खुले में चक्रमण कर रहे थे। चक्रमण एक ध्यान होता है चलते हुए। तो उसने भगवान से पूछा, भंते भगवान क्या सुख से सोए? तो तथागत ने क्या कहा, जो अनासक्त हो गया, शीतलीभूत हो गया, कामराग से लिप्त नहीं होता, वह निब्बान का परिपूर्ण साक्षात्कार करने वाला जो विद्वान होता है वो सदा सुख से सोता है। सारी आसक्तियां नष्ट कर, हृदय से भय दूर कर, चित्त शांति प्राप्त कर वह सुख से सोता है। हृदय से भय को दूर कर देगा, सारी आसक्तियां नष्ट कर देगा और चित्त को शांत प्राप्ति कर वह सुख से सोता है। तो प्रत्येक जो धम्मचारी होता है वो क्या होता है, सुख से सोते, धम्म का जो आचरण करता है वो सुख से सोता है। तो अरहंत सम्यक संबुद्ध का कहना ही क्या है, जिनका अहम भाव, और अहम भाव क्या हुआ, जो मूर्ता का जो भाव था वो अहम भाव था, वो छिन्न छिन्न हो गया, क्योंकि उस जाल को उन्होंने तोड़कर अलग कर दिया। कौन सा जाल? मोह का जाल, अज्ञान का जाल, अहंकार का जाल। तो जो लोग अरहंत हो गए वे पाप और पुण्य दोनों में लिप्त नहीं होते हैं। तो क्यों नहीं होते? वे, उनके पास ऐसी कोई नौबत ही नहीं आती कि वो पाप को छुपाए। उनका जो अच्छाई के प्रति जो भाव है वो जगता है, तो उनके पास गोपनीय रखने लायक ऐसा कुछ होता ही नहीं है।
गोपनीय कौन लोग रखते हैं कि जो वो लोग रखते हैं, अभी अरहंत है, चिवर है, पात्र है, अपने नाम से कोई संपत्ति ने गोपनीय रखने के लिए क्या है उनके पास, क्या ऐसा, वो तो अरहंत हो गए भिक्षु, अरहंत जो भिक्षु है उनके पास तो क्या छुपाने के लिए है, कोई व्यवसायी थोड़ी है, व्यवसायी है तो व्यवसायी सोचेगा कि क्या बताना क्या नहीं बताना, कौन सी सूचना देना कौन सी नहीं देना, क्योंकि उसके पास धन है, माल है, चोरों से चुराया जा सकता है, लेकिन अरहंत भिक्षु है, तीन चीवर के अलावा कुछ है नहीं, तो वो क्या छुपाएगा और क्या बताएगा, और उसको कौन से चोरी का डर है और किसका डर है, वो तो एक स्वतंत्र है, बंधन मुक्त व्यक्ति है। अब ये देखते हैं कि तथागत एक महाविजयी है। विजय एक अलग अलग तरीके की होती, किसी को हरा के विजय प्राप्त करना एक अलग विजय है, उसको चांस मिलेगा तो वो भी टाइम देखेगा तो वो भी हराएगा और वो भी जीत जाएगा, लेकिन एक दूसरी विजय होती है कि अपने अंदर की बुराइयों को हरा के विजेता बनना। तो असली जो विजय है वो अपने को जीतने वाली विजय है, अपने बुराई को हराने वाली विजय है वो असली विजय है। तो जो सहस्त्र बार सहस्त्रों को संग्राम में जीत ले, सहस्त्र मतलब हजारों लोगों को हजारों बार संग्राम में जीत ले, उससे कहीं उत्तम विजय वह है जो स्वयं अपने को जीत ले, क्योंकि अपने को जीता हुआ आदमी तो असली विजयी है ना, उसकी बहुबंधन मिट जाएंगे, वो स्वतंत्र हो जाएगा। तो असली विजय खुद को जीतना है। तो तथागत क्या है? तथागत स्वयं को विजय किए हुए व्यक्ति है। तो खुद को जीतना कैसा है? श्रेष्ठ है। और जो नित्य संयम जीवन जीने वाले उस व्यक्ति की जीत को कोई मार या किसी भी प्रकार का व्यक्ति नहीं पराजय में बदल सकता है। क्यों? क्योंकि वे अरहंत है। एक बार व्यक्ति अरहंत हो गया तो उनके अरहंत को बदलने का कोई तरीका है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वे स्वयं एक विजेता है। किसी ने दूसरे को नहीं हराया, उन्होंने अपने अंदर की बुराई को ख़त्म किया। अब जब बुराई ख़त्म हो गई, स्वच्छता आ गई, तो उनको क्या वो बुराई और आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। आएगी तो वो उसको स्वच्छ कर लेंगे, क्योंकि अब उन्होंने उस अमृत पथ को समझ लिया है, उसके आनंद को देख लिया, उसको जान लिया है, इसलिए अब उस स्थान में वो स्थित रहेंगे, उस आनंद में स्थित रहेंगे। तो भवचक्र का भंजन कैसे करना, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। तो जिनका जन्म मरण नष्ट हो गया है, जो अंतिम शरीर धारण करने वाले कौन है, जैसे बुद्ध है, अरहंत जो भिक्षु है, ये अंतिम शरीर धारण करने वाले होते हैं। और ये क्या करते हैं, जो मार रूपी बंधन है उसको उन्होंने देख लिया होता है, कि ये बंधनों को देख लिया कि कैसे एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनती है, वो उन्होंने देख लिया है। तो अब वो जानते हैं कि घर बनाने वाला, घर यानी शरीर बनाने वाला, ये बार बार शरीर बनता है बिगड़ता है, शरीर बनता है बिगड़ता है, अब ये शरीर बनाने वाले अर्थात घर बनाने वाले, मैंने तुझे देख लिया है, मैंने तुझे देख लिया है। कैसा देख लिया है? क्योंकि जो मूड है, जिसको कुछ नहीं समझता है, वो तो बार बार गर्भ में पड़ेगा और बार बार जन्म ग्रहण करेगा और बार बार मरेगा और बार बार लोग उसको श्मशान ले जाएंगे। तो इस पुनर्भवन से छूटने का मार्ग है, वो मार्ग है तथागत का आख्यात किया मार्ग। तो जो प्रज्ञा प्राप्ति का मार्ग है, जिन्होंने प्रज्ञा को प्राप्त कर लिया, वो बार बार जन्म नहीं लेते हैं और वो इस भवचक्र के बंधन से छूट जाते हैं। तो भवचक्र बंधन से छूटने का तरीका क्या है, है ना? इसका सिंपल तरीका है, और वो है कि पहले ये जानना कि ये संसार में जो लोग हैं वो कष्ट और दुख में क्यों पड़ते हैं। तो कष्ट और दुख में वो इसलिए पड़ते हैं कि वो उस भवचक्र को नहीं जानते हैं। तो क्या होता है कि उनके पास अज्ञान होता है, अज्ञान के कारण क्या बनता है, संस्कार बनता है।
और ज्ञान के कारण संस्कार बनता है, संस्कार और ज्ञान का बनता है। जिस चीज़ की जानकारी है सत्य का संस्कार नहीं बनता, असत्य का संस्कार बनता। सबसे पहले समझना है ना, मूर्ता का संस्कार बनता है, ज्ञान का संस्कार नहीं बनता। ज्ञान बल्कि ज्ञान प्राप्त होते ही संस्कार खत्म हो जाता है। ये संस्कार वो दूसरा संस्कार नहीं है किसी और अन्य ग्रंथों का। ये संस्कार यानी अपने अंदर की जो बुराई है वो बुराई का संस्कार बनता है अज्ञान के कारण। अज्ञान होने के कारण आदमी बुरे कर्म करता है, क्योंकि वो जानता ही नहीं कि उसका दुष्परिणाम होगा, तो उसके कारण संस्कार बनता है। तो जैसे ही संस्कार बनता है तो संस्कार बनने से विज्ञान बनता है, मतलब वो चेतना बनती है उसकी तरफ, उस विषय के प्रति। और विज्ञान जैसे ही बनता है तो नाम रूप बनता है, तो नाम रूप बनता है, नाम और रूप यानी भौतिक और चैतसिक चीज़ें बनना शुरू हो जाती। जब नाम रूप बनता है तो षड आयतन बनते, छह आयतन बनते, छह प्रकार की इंद्रिय बन जाते हैं। और षड आयतन बनने से क्या होता है, इंद्रिय बनने से क्या होता है, स्पर्श आता है, स्पर्श आता है, जो भी स्पर्श है ना, स्पर्श आता है। उस स्पर्श से क्या होता है, वेदना बनती है, और वेदना जैसी आती तो तृष्णा का रूप धारण करती है, तृष्णा बनती है उससे। और तृष्णा से क्या होती है, आसक्ति बनती है, आसक्ति होती है, और आसक्ति से क्या होता है, संसार बनता है। हमारी जन्म मरण के प्रति क्या, संसार में एक आसक्ति तैयार होती है, और उसके बाद में क्या होती है, हमारे लिए जाति होता है, जन्म होता है। और जाति जैसी हो गया तो जरा मरण शुरू हो जाता है। जैसी जाति होगी तो क्या है, जन्म होगा तो आप जवान होंगे, बूढ़े होंगे, बीमार होंगे, बीमार के बाद आप मृत्यु के तरफ जाएंगे। तो क्या होता है, उसके अंदर में दुख होता है, सुख होता है। तो ये एक दुख समुदाय की एक व्याख्या है, इस प्रकार संपूर्ण दुख समुदाय बनता है। तो इसका बीज है, इसका जो फल है, तो ये कैसा होता है, इसका बीज कैसे उत्पन्न होता है, तो वो उत्पन्न होता है अज्ञान के कारण। जब आदमी उसके बारे में जानकारी नहीं रखता है, अज्ञान होता है, तभी तो अज्ञान के कारण में जन्म का सीधा संबंध अज्ञान से, ज्ञान से नहीं है। तो अज्ञान को समझना होगा हमको, निरर्थक उन धर्म ग्रंथों के उनके चक्कर में नहीं जाना चाहिए कि भाई भगवान ने आपको पैदा किया, उसी ने मारा, उसी ने जिंदा किया, ये ऐसा नहीं है। एक चक्र है संसार के अंदर चलता है, और ये तथागत ने अच्छे से शोध करके निकाला है। तो क्या होता है कि ये चक्र को, भव चक्र को रोकना, निरोध करना बहुत जरूरी है। तो अविद्या का जैसे ही निरोध होता है तो संस्कार का निरोध होता है, संस्कार का निरोध होता है तो विज्ञान का निरोध होता है, चेतना का निरोध होता है। जो दुख के प्रति जानने वाली जो चेतना है वो चेतना का ही निरोध होता है, वो जानकारी मतलब कि जो दुख निर्माण करने वाली चेतना है उस चेतना का ही निरोध होता है। तो चेतना का निरोध होने से क्या होता है कि नाम रूप का निरोध होता है, शरीर का भी निरोध हो जाता है। शरीर का निरोध होने से क्या होता है, षड आयतनों का निरोध होता है, षड आयतन मतलब जो इंद्रिय है उसका भी निरोध हो जाता है, फिर वेदना का भी निरोध हो जाता है, और मतलब स्पर्श का भी निरोध हो जाता है, फिर वेदना का होता है, फिर तन्ना का भी हो जाता है, फिर उपादान का भी हो जाता है निरोध, फिर भवने संसार का भी अपने लिए निरोध हो जाता है, फिर जाति का निरोध हो जाता है, जरा मरण जाति ये सुख दुख ये सब का निरोध हो जाता है। और जब वो निरोध हो जाता है तब क्या होता है, तब सारे दुख का निरोध हो जाता है। अब ये तथागत जो है ये सिंपल बुद्ध नहीं, ये सम्मा संबुद्ध है। तो ये किस प्रकार के है, ये ना जोड़ने में लगे रहते, ना बटोरने में लगे हैं, ना भोग लोलुपता में है, ना साधना में भ्रष्ट है। ये तथागत जो है क्या है, ये सम्यक संबुद्ध है। तो तथागत कहते कि मैं विश्व में मैं अरहंत हूँ, अनुपम शास्ता हूँ, और मैं शीतलता और निर्माण प्राप्त किया हुआ सम्यक संबुद्ध हूँ। शीतलता और निर्माण को प्राप्त किया हुआ सम्यक संबुद्ध हूँ, मेरा कोई आचार्य नहीं है, मैं सर्वस्व त्यागी हूँ, तृष्णा के क्षय के कारण विमुक्त हूँ, सोए अनुभूत
अभिज्ञान को किससे प्राप्त हुआ बताओ, क्योंकि मेरा तो कोई गुरु नहीं, कोई आचार्य नहीं है, मैंने तो लास्ट में स्वयं ही विश्लेषण करके और ज्ञान अर्जन करके मैंने इस विश्व के लिए अनमोल संपदा धम्म का शोध किया है। अब मैं शोध करने के बाद किसको बताऊं कि ये मेरे गुरु है, क्योंकि ऐसा कोई गुरु तो था ही नहीं मेरा। मैं जो कहता हूं तथागत कहते किसी श्रवण या ब्राह्मण से सुनकर नहीं कहता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने भिक्षु को स्वयं जाना है, स्वयं देखा है, स्वयं विदित किया है, उसे ही कहता हूं। मैंने जो जो कहा है वो किसी ऐसा नहीं है, मैंने उसको स्वयं जाना है, स्वयं देखा है, स्वयं अनुभव किया है, उसे ही मैं कहता हूं। भिक्षुओं मैं जानकर ही कहता हूं कि मैंने अस्त्रों का क्षय किया, बिना जाने बिना देखे नहीं। इसी कारण से वे औरों को भी स्वयं जानने और देखने की विद्या सिखाते रहे। यही कारण था कि वो औरों को भी स्वयं जानने और देखने की विद्या सिखाते रहे। तो जो सुख दुख अथवा असुख अधुख अनुभव होते हुए सभी अनित्य है, और इन्हें जानते देखते अविद्या नष्ट होती है। और क्या होता है अविद्या नष्ट होने के बाद में? विद्या का उद्गम होता है। तो तथागत सम्यक संबुद्ध क्या होते? अनुत्पन्न मार्ग को उत्पन्न करने वाले होते हैं, अनजाने वाला मार्ग होता है उसको जानने वाले होते हैं, और जो अभी तक व्याख्यात नहीं किया था उसको भी व्याख्या करने वाले होते हैं। वे मार्गदाता होते हैं, मार्ग के विद्वान होते हैं और मार्ग के कोविद भी होते हैं। तो तथागत जो बात कह रहे हैं कि वो मार्ग को जानने वाले हैं, कैसे जानने वाले? उन्होंने खुद अनुभव किया है, देखा है, समझा है, परखा है। तो भगवान का जो धम्म है, उस धम्म का श्रवण करके विद्वान लोग उस पर चलते हैं। तो तथागत भिक्षुओं से कहते हैं, भिक्षुओं, किसी प्रज्ञा विमुक्त भिक्षु की तुलना में तथागत अरहंत सम्यक संबुद्ध की यही विशेषता है, यही अधिकता है, यही विभिन्नता है। क्या है? कि तथागत की जो श्रावक है वे उनके पीछे पीछे मार्ग का अनुसरण करने वाले हैं। श्रावक किसको कहते हैं? जो तथागत के धम्म का उपदेश श्रवण कर उस पर चलते हैं। बात समझ में आ गई ना? कि जो भगवान के धम्म का उपदेश श्रवण कर उस पर चलते, श्रवण करते और उस पर चलते हैं। तथागत एक महत्वपूर्ण बात है, तथागत अपने भिक्षुओं से ये कहते हैं कि भिक्षु दो प्रकार के अंत है, जिसका सेवन किसी भी ग्रह त्यागी प्रवोजित को नहीं करना चाहिए, और वह कौन से है? एक तो है कि काम भोग में लीन रहना, जो हीन है, गवारू है, और पृथक जनों द्वारा सेवित है, अनर्थकारी है। जो स्वयं को पीड़ा देने वाला जो मार्ग है वह क्या है? दुखदायी है और पृथक जनों द्वारा सेवित है, अनर्थकारी है। तो दोनों अंतों से बचना चाहिए। पहले तो एक तो काम भोगों के जीवन में एकदम नहीं पड़ना चाहिए, कि तो पहला अंत है। दूसरा है कि एकदम से शरीर को कष्ट नहीं देना चाहिए, दूसरा अंत है। इन दोनों अंतों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो तथागत ने कहा कि मैं जो बाद बता रहा हूँ वो है मध्यमा प्रतिपदा, यानी मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग है ये किस लिए है?
ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए, अज्ञान का उपशमन करने के लिए है, संबोधि के लिए, निवान के लिए है। तो ये क्या है, चक्षु, चक्षु को प्राप्त करने के लिए और ज्ञान को प्राप्त करने के लिए और निबान संबोधि की जानकारी प्राप्त करने के लिए है। तो ये किस प्रकार से होगा, ये होगा चार आर्य सत्यों को जानने के बारे में। चार आर्य सत्य क्या है कि दुख है, दुख का समुदाय है, दुख का निरोध है, दुख निरोधगामी प्रतिपदा है, मार्ग है। ये चार आर्य सत्य है और ये चार आर्य सत्य जब आप जान लेते हो तब क्या होता है, तब ये जो बातें हैं ये कैसी है, ये किसी की सुनी सुनी बातें नहीं है, ये कही हुई बातें नहीं है, ये अनुभव के द्वारा आई हुई बातें हैं। तो अनुभव के द्वारा जो बात प्राप्त की जाती है, जो मानी जाती है, वो क्या है, तो ये चार आर्य सत्यों में सबसे इम्पॉर्टेंट जो आर्य सत्य वो क्या है, वो है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग के आठ अंग है, वो क्या है, सम्मादिट्ठि, सम्मा संकल्पो, सम्मा वाचा, सम्मा कंपत्तो, सम्मा आजीवियो, सम्मा वायामो, सम्मा सती, सम्मा समाधि। तो दर्शन कैसा, सम्यक दृष्टि होनी चाहिए, संकल्प कैसे लेने चाहिए, सम्यक संकल्प, वचन सही वचन बोलने चाहिए और कर्म कैसे होने चाहिए, सम्यक होना चाहिए, आजीविका कैसी सम्यक होनी चाहिए, सही प्रयत्न करने चाहिए, सही व्यायाम उसी का मतलब होता है, सम्यक स्मृति करना चाहिए, सही प्रकार की जागृति और सम्यक समाधि यानी सही प्रकार की समाधि। तो इस आठ अंग के तीन अंग बनते हैं। तो तीसरा, चौथा और पांचवा जो विभाग है सील सदाचार का है, इसका छठा, सातवा और आठवां विभाग है वो सम्यक समाधि का विभाग है और पहला और दूसरा है ये प्रज्ञा का विभाग है। तो ये तीन विभागों में इसको हम तो क्या कहते हैं, मुझे इस बात का ज्ञान हो गया है कि मेरी यह अकंप विमुक्ति है, यह मेरा अंतिम जन्म है, इसके बाद पुनर्जन्म नहीं है। तो पहले कभी न सुने गए धम्मों में धम्म चक्षु उत्पन्न हो गया। तो धम्म चक्षु उत्पन्न क्या हुआ, ज्ञान भी उत्पन्न हो गया, ज्ञान के साथ क्या उत्पन्न हो गया, प्रज्ञा भी उत्पन्न हो गई, विद्या भी उत्पन्न हो गई और आलोक उत्पन्न हुआ। तो अंधकार दूर हो गया, अज्ञान दूर हो गया, अज्ञान अंधकार दूर होने से क्या हुआ कि उनको पता चल गया कि ये मैं, मेरी विमुक्ति हो गई है। तो चार आर्य सत्य की जानकारी के बिना मुक्ति कैसे संभव हो सकती है। तो जानकारी क्या है, दुख एक ये सत्य है कि दुख है तो दुख का समुदाय है, ये पहला सत्य क्या है, दुख है तो दुख का समुदाय, ये एक भाग हुआ। दुख का निरोध है तो निरोध गामिनी जो प्रतिपदा, तो चार आर्य सत्य का जो ज्ञान होता है तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या, अष्टांगिक मार्ग। तो अष्टांगिक मार्ग को जानना, तो चार आर्य सत्य तो हमने देख लिया, तो अष्टांगिक मार्ग को कैसे जानेंगे। तो जानने के लिए आपको समझना होगा कि दृष्टि का निर्माण कैसे होता है। दृष्टि का निर्माण होता है सही प्रकार से सोचने से। तो सही प्रकार से सोचते हैं तो क्या होता है, सकारात्मक सोचने से चार आर्य सत्य का ज्ञान होता है
और चार आर्य सत्य का ज्ञान होने से क्या होता है कि ये सही प्रकार से जब हम जानते हैं तो इसका अज्ञान मिट जाता है। किसके प्रति? सत्य के प्रति जो अज्ञान होता है ये अज्ञान मिट जाता है, और ये अज्ञान जैसे मिट जाता है तो विद्या का जन्म होता है। तो विद्या का जन्म होता है तो विद्या का जन्म होने से क्या होता है कि विद्या के इसमें क्या रहता है? प्रकाश, प्रकाश आलोक का प्रादुर्भाव होता है। तो प्रकाश और आलोक का प्रादुर्भाव होता है तो जैसे आप देखते होंगे कि गंगा नदी कौन सी दिशा पर झुकती है, तथागत कहते हैं कि भिक्षु हो, जिस प्रकार गंगा पूर्व दिशा की ओर झुकती है और पूर्व दिशा की ओर आमुख है और पूर्व दिशा पर पूर्व दिशा की तरफ प्रवाहित है, तो भिक्षु हो, ये जो अष्टांगिक मार्ग जो मैंने भावित किया है जाना है, ये निब्बान की ओर ही झुकता है, निब्बाना भूमिक होता है और निब्बान की ओर बढ़ता है। तो अष्टांगिक मार्ग के तरफ जाने से क्या होता है कि जिस प्रकार नदी, जो नदी की बात तथागत ने की है, जो कौन सी नदी की बात की है तथागत ने, कौन सी नदी की बात की है? गंगा नदी की बात की है ना। गंगा नदी पूर्व की तरफ जैसे झुकती है वैसे ही निब्बान की जो अवस्था है वो क्या है? अष्टांग मार्ग से जब आप जाते हो, अष्टांग मार्ग को जब आप समझते हो तो वह निर्वाण की ओर झुकता है, निर्वाणाभिमुख होता है, निर्वाण की ओर बढ़ता है, दुख मुक्ति की तरफ बढ़ता है। मतलब अष्टांगिक मार्ग में इतनी ताकत है, अष्टांगिक मार्ग को बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म तरीके से जान के समझ के तथागत ने व्याख्यात किया है। तो तथागत ये कहते हैं कि ये जो चार आर्य सत्य जो है ये मैंने अन्यता नहीं है, तभी ये आर्य सत्य कहलाते हैं। क्योंकि तथागत जो एक श्रेष्ठ है और उन्होंने जो व्याख्यात किया है वो क्या है? श्रेष्ठ सत्य व्याख्यात किया है। तथागत श्रेष्ठ क्यों हुए? क्योंकि उनको एक बोधि लाभ हुआ। तो जो बोधि लाभ होने के कारण वो जो ज्ञान उत्पन्न हुआ, चक्षु उत्पन्न हुए, ज्ञान चक्षु उत्पन्न हुए, वो जो ज्ञान चक्षु उत्पन्न हुए उसका जो लाभ उनको हुआ, तो वो लाभ की वो व्याख्या कर रहे कि वो अन्यथा नहीं है, ऐसे ही नहीं है। तो तथागत ने जो ये बात कही है चार आर्य सत्य के बारे में, तो क्या होता है कि लोग आर्य सत्य को जानते नहीं हैं, और जानते नहीं हैं तो क्या होता है, वो निब्बान को भी नहीं जान पाते हैं। क्योंकि जब कार्य कारण के सिद्धांत को नहीं जान पाओगे, कि सारे जो संस्कार है, संस्कार जो है वो संस्कारों को जब प्रज्ञा के चक्षु से व्यक्ति देख लेता है, इंसान देख लेता है, प्रबुद्ध व्यक्ति देखता है, तो देखते देखते उसको ये समझ में आके ये अनित्य है, और ये अनित्य है संस्कार क्या? अनित्य और अनित्य ही दुख है। तो जो अनित्य है वह दुख है, जो दुख है वह अनात्म है, कोई आत्मा आत्मा नहीं है, जो अनात्म है वह न मेरा है, न मैं हूँ, न मेरी आत्मा है। तो यहाँ पे कोई आत्मा वात्मा नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, संस्कार कोई आत्मा नहीं है, ये अनात्मा है, ना मैं हूँ, ये एक संस्कार है। तो सारे के सारे जो धम्म है अनात्म है। तो ये व्यक्ति कैसे होता है कि प्रज्ञा चक्षु से देख लेता है, ये एक निर्वेद की अवस्था है, एक विशुद्धि का मार्ग है, विमुक्ति का मार्ग है। तो
तो ये सभी दुखों में निर्वेद की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। कैसे प्राप्त कर लेता है? वो जानकर प्राप्त कर लेता है। तो ये जो दुख है, ये जो दुख है, क्लेश है, ये प्रज्वलित जो हो रहे हैं अग्नि समान, सारे के सारे जो भवबंधन है, उन भवबंधनों से भिक्षुओं में मुक्त हो गया हूं, तो बंधनों से मुक्त होने से मैंने प्रज्ञाशील और समाधि वाले श्रेष्ठतम विमुक्ति के मार्ग का बोध किया है, ठीक प्रकार से बोध किया है। और ठीक प्रकार से बोध करने के कारण जहाँ मृत्यु का क्षेत्र है उसका मैंने अतिक्रमण कर लिया है, और अतिक्रमण करने के कारण क्या है, सूर्य के प्रकाश के भांति मेरे से मार्ग क्या हो गया, प्रकाशित हो गया है, और मैं सम्यक संबुद्ध हो गया हूँ। तो सम्यक संबुद्ध ऐसे ही नहीं बने हैं। कैसे बने हैं? जैसे दिन में सूर्य तपता है और चंद्रमा कैसे होता है, रात में आभासवार होता है, परंतु तपने वालों में सम्यक संबुद्ध क्या श्रेष्ठ है? उनकी तो आभा जो है अतुलनीय है। सूरज और चंद्र के आभा से उनकी आभा की तुलना नहीं की जा सकती है, क्योंकि सूर्य जो तो दिन में तपता है, चंद्रमा रात में आभासित होता है, और जो बुद्ध है तथागत अपने तेज से दिन रात सभी समय तपते हैं, वे एक समता भरे चित्त के धनी होते हैं, और वे तृष्णा रहित, आसक्ति रहित, आस्त्रव रहित, निर्वाण की अवस्था को प्राप्त किए हुए रहते हैं। उनको दुख, दुख का समुदाय, दुख निरोधगामी प्रतिपदा के ज्ञान का अच्छे से जानकारी होती है, और जानकारी होने के कारण ही वे उपदेश भी करते हैं। तो जो तथागत ने जो धम्म दिए है, वही के कैसे धम्म है, वह गंभीर है, सूक्ष्म है, और एक समझदार व्यक्ति द्वारा जानने योग्य है। ये जो प्रतीत समुत्पात के जो नियम है, कार्य कारण के नियम है, ये साधारण नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो सभी संस्कारों का उपशमन है, ये सभी उपाधियों का निकल जाना है, ये जो तृष्णा का क्षय है, वितरागता है, निरोध है, यही निब्बान है। राग द्वेष से लिप्त जनता को इस धम्म का संबोधन करना इतना आसान नहीं है। घने अंधकार से आच्छादित राग रंजित लोग इसे देख नहीं पाएंगे, और वे लोग जिनके आंखों में मैला जमा हुआ है वे भी नहीं देख पाएंगे। तो तथागत क्या कहते हैं कि मैंने चार आर्य सत्यों को न जानने के कारण मैं दौड़ता रहा, और दौड़ते दौड़ते जब मुझे चार आर्य सत्यों पर जानकारी मिली, श्रेष्ठ सत्यों पर जानकारी मिली, जब मैंने चार आर्य सत्य का साक्षात्कार किया, तो मैं भव से विमुक्त हो गया, संसार से विमुक्त हो गया, जन्म मरण से विमुक्त हो गया। तो ये जो मैंने दुख निरोध का जो मार्ग पता किया है, ये क्या है, ये जो सारे दुखों का
कारण है, उस कारणों के उस तृष्णा को ही मैंने सुखा दिया है और सुखा कर अष्टांगिक मार्ग को मैंने भावित किया है। ये जो दुख निरोध की जो अवस्था है स्पर्श उस कर लिया है मैंने, उसका साक्षात्कार कर लिया, अनुभव कर लिया है। तो तथागत क्या कहते हैं, कार्य कारण की शिक्षा को मैंने सही तरीके से जाना, सातों संबद्ध अंग को मैंने अच्छी तरह से जाना, पांचों बल को मैंने अच्छे से जाना। सात संबद्ध अंग क्या है, सती, धम्म विचय, वीर्य, प्रीति, प्रसिद्धि, समाधि और उपेक्षा। ये सातों संबद्ध अंग को मैंने भावित किया, अच्छे से जाना। श्रद्धा, वीर्य, सती, समाधि और प्रज्ञा, इन पांचों बलों को जाना, पांचों इंद्रियों को अच्छे से जाना, कायानुपस्यना, वेदनानुपस्यना, चित्तानुपस्यना और धम्मानुपस्यना, इन चार सती पठानों को, इन्हें जागृति की अवस्था को जाना। सवर, प्रधान, भावना, अनुरक्ष, ये चार सम्यक प्रधान मैंने भावित किए, वो सभी छंद, वीर्य, चित्त और मीमांसा, ये चार रुद्धिपार भावित किया। भावित करके इन चारों रुद्धिपादों को भावित करके, बहु कृत करके तथागत अरहंत सम्यक संबुद्ध कहलाए। ये जो तथागत है, इनको जो लाभ हुआ है, ये सम्यक संबुद्धि का लाभ हुआ है। तो 37 जो बोधिपक्षीय धम्म है, इनका भी उन्होंने अच्छे से विश्लेषण किया है। 37 बोधिपक्षीय धम्म के अंदर में क्या क्या बताया है, आर्य अष्टांगिक मार्ग, सात संबोधंग्य, पांच बल, पांच इंद्रिय, चार प्रकार की जो सती यानी सम्यक प्रधान, यानी चार सती पठान, चार सती पठान और चार सम्यक प्रधान, सवर, पहान, भावना और अनुरक्षण, ये चार सम्यक प्रधान और चार रुद्धिपाद। इस प्रकार से 37 बोधिपक्षीय धम्म, इस पर मैंने एक विस्तृत ऑडियो भी बनाया है 37 बोधिपक्षीय धम्म करके, उस पर भी आप विश्लेषण करके इसके विश्लेषणात्मक सुन सकते हो। तो चारों रुद्धिपादों को भावित करके, बहुलुकृत करके तथागत अरहंत सम्यक संबुद्ध कहलाते हैं। तथागत सम्यक संबुद्ध ऐसे ही नहीं कहलाते हैं, उन्होंने भावित किया, सरलीकृत किया है और ये उनकी महान सिद्धि है, रिद्धि सिद्धि। रिद्धि का मतलब है कि जाना उन्होंने, उसको उन्होंने पहचाना, उसको उन्होंने समझा। ये छोटी 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 चीज है, माइनटली चीज है। तो उनकी ये संबोधि है और इसलिए वे सम्यक संबुद्ध कहलाए। तो सम्यक संबुद्ध ऐसे ही नहीं कहलाए, वो 37 बोधिपक्षीय धम्म को सही तरीके से जानने के कारण कहलाए। उनकी जो संबोधि है वो सही तरीके से है और सही तरीके से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो ये ज्ञान बड़ा महत्वपूर्ण ज्ञान है।